नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 2 जनवरी। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मैट्रिक और इंटर बोर्ड में वोकेशनल कोर्स की भी होगी परीक्षा। बिहार के लोगों ने ऐसे मनाया नया साल। खरमास बाद निर्वाचित नगर पालिका प्रतिनिधियों का होगा शपथ ग्रहण। शिक्षा मंत्री ने शिक्षक नियुक्ति को लेकर दी अहम जानकारी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के रेस से बाहर हुआ पाकिस्तान। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। एनएचपीसी लिमिटेड ने 401 रिक्तियों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी किया। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने विभिन्न डिसिप्लिन में ट्रेनी, इंजीनियर और ट्रेनी ऑफिसर के कुल मिलाकर 401 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया। इन पदों के लिए अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो कैंडिडेट को रेलिवेंट डिसिप्लिन में 60% मार्क्स के साथ बीई, बीटेक, बीएससी, सीए, आईसी, डब्ल्यूए, सीएमए, पीजी, एमबीए, एलएलबी डिग्री पास होना चाहिए। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस वैकेंसी नोटिस के बारे में समस्त जरूरी जानकारी के लिए इसी वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। ऑनलाइन आवेदन करने की तारीख 5 जनवरी से 25 जनवरी 2023 तक है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट www.nhpcindia.co.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। मैट्रिक और इंटर बोर्ड में वोकेशनल कोर्स की भी होगी परीक्षा। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बिहार बोर्ड के मैट्रिक वार्षिक परीक्षा के शेड्यूल में अब 5 वोकेशनल कोर्स को भी शामिल किया जाएगा। मई 2026 में इंटर परीक्षा शेड्यूल में वोकेशनल कोर्स को भी शामिल किया जाएगा। वहीं बिहार बोर्ड द्वारा 2024 के मैट्रिक वार्षिक परीक्षा में इसकी भी परीक्षा दी जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह पहली बार है जब सरकारी स्कूलों में 9वीं कक्षा में वोकेशनल कोर्स जैसे ट्रेड, रिटेल मैनेजमेंट, ऑटोमोबाइल, ब्यूटीशियन, सिक्योरिटी और टूरिज्म जैसे विषयों की पढ़ाई नवंबर से शुरू की गई है। नए साल में बिहार में बिछेगा सड़कों का जाल। नए साल में बिहार में 5 एनएच और गंगा नदी पर सिमरिया पुल साल 2023 में बनकर तैयार हो जाएगा, जिससे उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच यातायात करने वाले यात्रियों को सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही पटना गया डोभी NH 83 फोर लेन सड़क का निर्माण हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जून 2023 तक पूरा होने की संभावना है। वहीं पिपड़ा कोठी मोतिहारी रक्सौल NH 28A पेवर्ड शोल्डर के साथ 2 लेन सड़क का निर्माण मार्च 2023 में पूरा होने की संभावना है। नरेनपुर पूर्णिया NH 131 फोर लेन का निर्माण जून 2023 तक पूरा होने का संभावना है। इसके साथ ही छपरा हाजीपुर NH 19 फोर लेन और 2 लेन करीब दिसंबर 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। बिहारी पोथरे स्पेशल में आज हम बात करेंगे कीर्ति आजाद के बारे में। कीर्ति वर्धन भागवत झा आजाद उच्चारण का जन्म आज ही के दिन 1959 में हुआ था। यह एक राजनेता और पूर्व क्रिकेटर हैं और उन्होंने 1980 और 1986 के बीच भारत के लिए 7 टेस्ट और 25 एक दिवसीय मैच खेले। आजाद का जन्म बिहार के दरभंगा में हुआ था, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भागवत झा के पुत्र थे। वह एक आक्रामक दाएं हाथ के बल्लेबाज और तेज ऑफ स्पिनर थे। 1980-81 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के लिए एक आश्चर्यजनक पसंद उन्होंने वेलिंगटन में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया। उनके करियर का मुख्य आकर्षण 1983 क्रिकेट विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा होना था। उन्होंने दरभंगा बिहार के लिए 2014 का लोकसभा चुनाव जीता। बिहार में बालू के अवैध खनन को लेकर माफियाओं पर कसेगा शिकंजा। वरिष्ठ अधिकारी हरजोत कौर बम्हारा के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बिहार में अवैध बालू खनन को रोका जा सके, इसके लिए बिहार के खाद एवं भूगर्भ विभाग के द्वारा राज्य में अवैध रेत खनन और खनिजों के परिवहन पर नियंत्रण के लिए अपना खुद का समर्पित पुलिस बल बनाने का फैसला लिया गया। इसके लिए जल्दी अंतिम मंजूरी के लिए सक्षम प्राधिकारी को एक विस्तृत प्रस्ताव पत्र भेजा जाएगा। यह टीम हथियारों से लैस होगी। वहीं इस टीम का नेतृत्व खनन पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले 2 वर्षों के दौरान अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के लिए माफिया गैंगवार में कम से कम 28 लोग मारे गए हैं। बिहार के लोगों ने ऐसे मनाया नया साल। बीते दिन नए साल का आगाज हो चुका है, ऐसे में चारों तरफ नए साल को लेकर साज सजावट की गई थी, जिसका लोगों के द्वारा जमकर लुत्फ उठाया गया। वहीं अगर बात बिहार की करें तो बिहार में नए साल के मौके पर मंदिरों में काफी भीड़ देखने को मिली। इसके साथ ही पिकनिक स्पॉट और पार्क में भी खचाखच भरे नजर आए। यहां के लोगों ने भगवान के दर्शन कर उनसे नया साल सुखमय व्यतीत हो इसका आशीर्वाद मांगा। वहीं सड़क जाम से बचने के लिए मंदिर परिसर के बाहर वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था की गई थी।
सभी मंदिरों में सुबह से ही लोगों की भीड़ देखने को मिली। शहरों के पार्कों में भी बच्चों ने खूब मस्ती की और साथ ही बड़े लोगों के बीच भी इस अवसर पर काफी उत्साह देखने को मिला। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर होगा रामायण मंदिर। मंगलवार से मोतिहारी में अयोध्या जनकपुर के बीच राम जानकी पथ के कैथवलिया में स्थित जानकी नगर में विश्व का सबसे बड़ा विराट रामायण मंदिर का कार्य प्रारंभ किया जा चुका है, जिसके स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए 137 करोड़ की राशि दी जाएगी। इस मंदिर के कार्य के लिए SBL कंस्ट्रक्शन नोएडा को दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस मंदिर का शिलान्यास 2012 में हुआ था। न्यास बोर्ड पूर्व अध्यक्ष आचार्य किशोर कुणाल के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार भव्य मंदिर की ऊंचाई 270 फीट, चौड़ाई 540 फीट, लंबाई 1080 फीट, क्षेत्रफल 108 एकड़ है। वहीं इस मंदिर में जिस शिवलिंग की स्थापना की जाएगी उसकी ऊंचाई लगभग 33 फीट, गोलाई 33 फीट, वजन 200 मीट्रिक टन होगा। मंदिरों की संख्या 16 होगी, जिसमें शिखरों की संख्या 12, आश्रम की संख्या 4 व गोपुरम की संख्या 1 होगी। जनवरी से इतने लोगों को मिलेगा मुफ्त में अनाज। केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए निर्देश के बाद नए साल यानी कि 1 जनवरी से बिहार के करीब 1,59,00,000 परिवारों को जिनके पास राशन कार्ड मौजूद है उन्हें मुफ्त अनाज मुहैया कराया जाएगा। बिहार सरकार के खाद्य सचिव विनय कुमार के द्वारा सरकार के निर्देश के तहत मुफ्त अनाज वितरण सुनिश्चित कराने और उसकी स्थिति की मॉनिटरिंग करने का आदेश सभी जिलाधिकारियों को दिया गया है। यह सुविधा सभी लाभुकों को 31 दिसंबर 2023 तक सरकार की ओर से मुहैया कराई जाएगी। जानकारी के लिए बता दें कि यह योजना खत्म होने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2022 थी, लेकिन उसके समाप्त होने से पहले ही सरकार के द्वारा उपभोक्ताओं के लिए पूरे एक साल का मुफ्त अनाज देने का निर्देश दे दिया गया। अब बिहार के छात्र डिजिटल यूनिवर्सिटी में करेंगे पढ़ाई। UGC की ओर से 2023 में देश को डिजिटल यूनिवर्सिटी के साथ कई नए तोहफे मिलेंगे। इसके लिए UGC के द्वारा पहल की शुरुआत कर दी गई है। UGC के एक अध्यक्ष प्रो एम जगदीश कुमार के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार देश की सभी यूनिवर्सिटियों में डिजिटल यूनिवर्सिटी सहयोग के रूप में काम करेगी। इसमें छात्रों को ऑनलाइन एडमिशन लेना होगा। वहीं इसमें एडमिशन लेने वाले छात्रों को ऑनलाइन माध्यम तरीके से ही पढ़नी होगी और साथ ही इसका एग्जाम भी ऑनलाइन देना होगा। आपकी जानकारी के लिए बता कि नए साल में देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में राष्ट्रीय उच्च शिक्षा योग्यता ढांचा लागू किया जाएगा। सभी यूनिवर्सिटी एकेडमिक क्रेडिट कार्ड पर रजिस्टर करेंगे। बाद निर्वाचित नगर पालिका प्रतिनिधियों का होगा शपथ ग्रहण। बिहार नगर निकाय चुनाव के दोनों चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। अब हर नगर निकाय में मेयर, डिप्टी मेयर और वार्ड पार्षदों का शपथ ग्रहण कराया जाना है, जिसके बाद ही नगर पालिका का गठन का काम पूरा किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नगर पालिकाओं के शपथ ग्रहण का काम गजट नोटिफिकेशन के बाद आयोजित किया जाएगा। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा सभी जिलाधिकारियों के साथ नगर विकास एवं आवास विभाग को निर्देश दे दिया गया है। बता दें कि शपथ ग्रहण में 17 नगर निगमों के मेयर और डिप्टी मेयर, 70 नगर परिषदों के मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद और 137 नगर पंचायतों के पार्षद और उप मुख्य पार्षद के साथ ही इन निकायों में निर्वाचित 4,875 वार्ड पार्षद को शपथ ग्रहण कराया जाएगा। नशा मुक्ति गीत गाकर औरंगाबाद की दो सगी बहनें हुई वायरल। नशा मुक्ति गीत गाकर वायरल गर्ल सलोनी की लिस्ट में दो और लड़कियों के नाम शामिल हो गए हैं। बता दें कि ये दोनों लड़कियां औरंगाबाद की है और दोनों सगी बहनें हैं। ये दोनों बहनें नशा विरोधी गीत गाकर खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 12 साल की सलोनी राज और 10 साल की कुमारी सृष्टि को गाना सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं इन दोनों बच्चियों के माता पिता भी वीडियो के वायरल होने पर काफी खुश है। इसके साथ ही यह गीत लोगों के द्वारा भी खूब पसंद किया जा रहा है। बताते चले कि इस गाने की मदद से दोनों बहनें लोगों से अपील कर रही हैं कि सभी लोग नशा से दूर रहें। नए साल पर मौसम ने यूं बदला मिजाज, शीतलहर से कांपे लोग। बिहार में न्यू ईयर के पहले दिन कड़ाके की ठंड ने लोगों का स्वागत किया। न्यू ईयर की पहली जनवरी सीजन का अब तक का सबसे सर्द दिन रहा। सड़कों पर गहरा कोहरा रहा। तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण भारत में शीतलहर जारी है। पूर्वी बिहार को छोड़ दें तो दक्षिण पश्चिम और उत्तरी बिहार में कुछ जगहों पर शीत दिवस दर्ज हुआ। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो मध्य भारत में प्रति चक्रवात के प्रभाव से अगले दो दिनों के अंदर राज्य भर में तापमान में 2 से 4 डिग्री की वृद्धि संभावना है। प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में पूर्वी हवा व दक्षिण क्षेत्र में पछुआ का प्रवाह हो रहा है। दो तरफा हवा के मिश्रण के कारण प्रदेश में दो दिनों तक घना कोहरा का असर रह सकता है। वहीं तापमान में वृद्धि होने से कनकनी में राहत मिलेगी।
शिक्षा मंत्री ने शिक्षक नियुक्ति को लेकर दी अहम जानकारी। वैसे युवा जो शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए अच्छी खबर है। 2023 में कई लाख बेरोजगार युवाओं को शिक्षक बनने का मौका दिया जाएगा। इस बात की जानकारी बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के द्वारा दी गई है। दरअसल प्रोफेसर चंद्रशेखर ने लोगों को नए साल की बधाई देते हुए कहा कि नव वर्ष 2023 शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति एवं लाखों बेरोजगारों के नियुक्ति का वर्ष हो, ईश्वर से यह आराधना है। आइए हम सब मिलकर राज्य एवं देश की तरक्की के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का संकल्प ले। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार सातवें चरण के शिक्षक नियोजन को लेकर धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। वहीं शिक्षा विभाग द्वारा प्रक्रिया को आगे बढ़ाने जाने का आश्वासन मिलता रहा है। बिहार का पहला खगोल लैब बनकर हुआ तैयार। बिहार का पहला खगोल लैब स्मार्ट सिटी कंपनी लिमिटेड के द्वारा मॉडर्नाइजेशन ऑफ स्कूल प्रोजेक्ट के अंतर्गत भागलपुर के राजकीय बालिका इंटर स्कूल में बनकर तैयार हो गया है। बता दें कि इस खगोल लैब का नाम विक्रमशिला खगोल लैब रखा गया है। इस लैब के निर्माण के बाद अब छात्रों को सौर मंडल में होने वाली खगोलीय घटनाओं की जानकारी मिल पाएगी। बच्चे दूरबीन से ग्रहों को भी देख सकेंगे। बता दें कि यह खगोल लैब बच्चों के लिए बिल्कुल नया अनुभव साबित होगा। उन्हें यह लैब उत्सुकता से भर देगा जो उनकी पढ़ाई में बहुत कारगर साबित होगा। इस लैब का लाभ दूसरे स्कूल के बच्चे भी उठा सकेंगे। हालांकि उसके लिए प्राचार्य की अनुमति आवश्यक होगी। यहां बच्चों को सौर मंडल से जुड़ी सारी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। भारत नेपाल सीमा सड़क 190 किलोमीटर निर्माण हुआ पूरा। भारत नेपाल सीमा सड़क अब तक केवल 190 किलोमीटर ही बन पाई है, जबकि बिहार में 552 किलोमीटर सड़क इस परियोजना के अंतर्गत बनी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह सड़क बिहार के 7 जिले में बनाई जाएगी, जिसमें पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज जिला शामिल है। इस सड़क की चौड़ाई 7 मीटर है। वहीं इसके दोनों तरफ 2.5 मीटर फुटपाथ का निर्माण भी किया गया है। अब तक इस सड़क पर कुल खर्च 1,040 करोड़ किए गए हैं। बता दें कि इस परियोजना की स्वीकृति वर्ष 2010 में मिली थी, लेकिन इसका निर्माण कार्य वर्ष 2012-13 में किया गया था। शुरुआत में इस योजना को वर्ष 2016 तक ही पूरा करना था, लेकिन 2022 खत्म होने के बाद भी अब तक इस सड़क को पूरा नहीं किया जा सका है। नए साल पर पुलिस ने खेत से बरामद किया शराब। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन फिर भी लोग धड़ल्ले से शराब का अवैध कारोबार कर रहे हैं, जिसे लेकर पुलिस काफी सख्त हो गई है और लगातार शराब की खेप बरामद कर रही है। इसी कड़ी में नरकटियागंज की शिकारपुर पुलिस ने छापेमारी कर नगर के टीपी वर्मा कॉलेज रोड स्थित गन्ने के खेत में से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया है। बता दें कि पुलिस के द्वारा यह छापेमारी गुप्त सूचना पर की गई थी। इस बात की जानकारी थानाध्यक्ष रामाश्रय यादव के द्वारा दी गई है। हालांकि छापेमारी के दौरान कोई भी तस्कर या धंधेबाज की गिरफ्तारी नहीं की गई है। दरअसल पुलिस के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उन्हें ऐसा इनपुट मिला था कि नए साल के मौके पर शराब की खेप थाना क्षेत्र के अलग अलग जगहों पर पहुंचने वाली है, जिसको लेकर पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे जलालगढ़ किला के बारे में। जलालगढ़ किला भारत के बिहार राज्य के पूर्णिया जिले में स्थित एक लगभग 300 वर्ष पुराना दुर्ग है, जो वर्तमान में खंडहर स्थिति में है। यह पूर्णिया नगर से लगभग 20 किलोमीटर उत्तर में है। किले के लगभग 100 एकड़ जमीन है, जिस पर लोग खेती करते हैं और किले के आंतरिक परिसर में भी खेती कर रहे हैं। किले के चारों कोन पर अर्धचंद्रकार कमरा बना हुआ है। किले से पूरब सटे कोशी नदी है, जिसका संपर्क नदी मार्ग द्वारा सीधे मुर्शिदाबाद के नवाब से जुड़ा हुआ था। जनश्रुति के अनुसार परमान नदी खाता से किला तक सुरंग है। इतिहास से स्पष्ट है कि नेपाल की सीमा गंगा नदी के किनारे तक जाती थी, जिसे तात्कालिक नवाबों ने युद्ध द्वारा नेपाल को धकेलते जोगबनी तक पहुंचा दिया। बिहार का दूसरा तारामंडल दरभंगा में बनकर हुआ तैयार। नए साल के मौके पर बिहार को उसका दूसरा और उत्तर बिहार को पहला तारामंडल मिल गया है। बता दें कि कुल 164 करोड़ की लागत से बिहार का दूसरा तारामंडल दरभंगा में बनाकर तैयार कर दिया गया है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 12 जनवरी को की जाएगी, जिसके बाद आम लोग इस तारामंडल का दीदार कर सकेंगे। इस तारामंडल की खास बात यह है कि यह अपने आप में अनूठा है। यहां पूरी तरह से सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा। इस तारामंडल में 3 मुख्य भवन होंगे, जिसमें पहला तारामंडल, दूसरा सभागार और तीसरा ओरिएंटेशन हॉल होगा। मिली जानकारी के अनुसार इस तारामंडल के पहले चरण के निर्माण में कुल 88 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, तो वहीं दूसरे चरण में 48 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नव वर्ष की बधाई देकर ट्रोल हुए उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। नए साल के मौके पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सभी राज्यवासियों को बधाई दी थी, लेकिन उनका यह बधाई देना उन पर भारी पड़ गया और वे सोशल मीडिया पर ट्रोल हो गए। बता दें कि तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर कहा था कि नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना। आइए हम सभी नई आशा, उमंग, ऊर्जा, जुनून, उम्मीद, नए विचार, संकल्प, विश्वास और शुरुआत के साथ नूतन वर्ष का स्वागत करें, जिसके बाद युवाओं ने उनके ट्वीट पर रोजगार देने पर सवालों की बौछार कर दी। किसी ने लिखा, साहब
अब हम परीक्षार्थियों के लिए कैसा न्यू ईयर, हमारे लिए ब्लैक ईयर है। वहीं दूसरे यूजर ने लिखा कि उप मुख्यमंत्री जी, आप तो बहुत अच्छा बना लेते हैं लेकिन रोजगार नहीं देते हैं, सत्ता के लालच ने आपको अंधा बना दिया है। इस तरह के कई कमेंट उनके ट्वीट पर किए गए। पैतृक गांव पहुंच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वर्गीय माता के पुण्यतिथि पर किया माल्यार्पण। बीते दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पैतृक गांव कल्याण बिघा में हरनौत स्थित कविराज रामलखन सिंह स्मृति वाटिका पहुंचे और माता श्री के पुण्यतिथि के अवसर पर, जहां उनकी माता स्वर्गीय परमेश्वरी देवी जी की प्रतिमा है, वहां उन्होंने भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। साथ ही साथ स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय पत्नी की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री के बड़े भाई, पुत्र और अन्य परिवार के सदस्य भी मौजूद थे। श्रद्धांजलि कार्यक्रम के समापन के पश्चात उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना और साथ ही साथ उस समस्या के समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया। नीतीश कुमार की यात्रा पर प्रशांत किशोर ने की भविष्यवाणी। चुनावी राजनीति रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार की बिहार यात्रा को लेकर अपनी भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा है कि अगर नीतीश कुमार यात्रा करते हैं तो सरकारी अमला और सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद अप्रिय घटना सुनने देखने को मिलेगी। आप लोग इस बात को एडवांस में लिख कर रख लीजिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं आज राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते कह रहा हूं कि जेडीयू डूबती हुई नाव है। 2002 में जो हालात आरजेडी के खिलाफ था, वही हालात आज जेडीयू के खिलाफ है। उन्होंने जहरीली शराब से हुई मौतों को लेकर जो बातें कही हैं, उसको लेकर जनता के अंदर रोष है। उन्होंने कहा कि अगर आपकी मुलाकात उनसे होती है तो ये जरूर पूछिएगा कि तेजस्वी यादव अपना बर्थडे जो चार्टर्ड प्लेन में मनाते हैं, उसके लिए वे पैसे कहां से लाते हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रेस से बाहर हुआ पाकिस्तान। बीसीसीआई के द्वारा आधिकारिक तौर पर पुष्टि करते हुए दी गई जानकारी के अनुसार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से पाकिस्तान की टीम बाहर हो गई है। बता दें कि हाल ही में इंग्लैंड के हाथों पाकिस्तान को अपने ही घर में 3-0 से टेस्ट सीरीज में हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद टीम को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल पर काफी नुकसान हुआ था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फिलहाल पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट्स टेबल पर 38.46% अंक के साथ सातवें नंबर पर है। 2021-23 में पाक टीम ने अब तक कुल 13 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से टीम के द्वारा 4 मुकाबले में जीत दर्ज की गई है, जबकि 6 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। रामकृष्ण के आदेश के बाद 1899 में साधु कोलकाता स्थित बेलूर मठ में रहने लगे। पद्म विभूषण पुरस्कार की स्थापना 2 जनवरी 1954 में की गई थी। भारत रत्न पुरस्कार 2 जनवरी 1954 को प्रारंभ किया गया था। तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा को 1991 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया गया। केरल के प्रसिद्ध समाज सुधारक मन्नतु पद्मनाभन का जन्म 1878 में हुआ। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक, कथाकार और उपन्यासकार जैनेन्द्र कुमार का जन्म 1905 में हुआ। प्रसिद्ध भारतीय उद्यमी थे जिनका भारत के दुग्ध उद्योग में योगदान। डीएन खुरोदे का जन्म 1906 में हुआ। भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ एस आर श्रीनिवास वर्धन का जन्म 1940 में हुआ। प्रसिद्ध तैराक बुला चौधरी का जन्म 1970 में हुआ। वायरल खबर में आज हम बात करेंगे केवाईसी निलंबित के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे केवाईसी निलंबित के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने एक ट्वीट में लिखा है, यह दावा किया जा रहा है कि ट्राई से लोगों को बीएसएनएल से यह दावा करने वाले नोटिस प्राप्त हुए हैं कि ग्राहकों को केवाईसी निलंबित कर दिया गया है, सिम कार्ड 24 घंटे के भीतर ब्लॉक हो जाएंगे। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि दावे फर्जी है, बीएसएनएल कभी भी ऐसी कोई नोटिस नहीं भेजता है, अपना व्यक्तिगत और बैंक विवरण कभी भी किसी के साथ साझा न करें। लैपटॉप में ऐसे छिपा कर रखिए अपनी फाइल। विंडोज अपने यूजर्स के लिए नए अपडेट देता रहता है। आज हम ऐसे ही एक फीचर की बात कर रहे हैं। आप इसकी मदद अपने किसी भी फाइल को सुरक्षित रखने के लिए सीक्रेट फोल्डर बना सकते हैं। अगर आप भी अपनी चीजों को सीक्रेट रखना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले नया फोल्डर बनाने के लिए अपने विंडोज पीसी होम स्क्रीन पर राइट क्लिक करें। अब नया विकल्प चुने और फिर देखने ड्रॉप डाउन मेनू से फोल्डर विकल्प पर क्लिक करें। अब फोल्डर बन जाने के बाद फोल्डर का नाम बदलने के लिए उस पर राइट क्लिक करें, फिर अल्ट प्लस 0160 डालें जो नो ब्रेक स्पेस के लिए अल्ट डैश कोड शॉर्टकट है। बिना नाम वाला एक नया फोल्डर बनाया जाएगा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है स्पंदना, अनवर करीम खान, रवि कुमार राम, सुधीर कुमार दर्शक, उमेश ऋषिदेव, नुन्नू गोलू कुमार, रविशंकर, कुश कुमार यादव, अतीक खान, सुरेंद्र कुमार बेशरा, मोहम्मद सकीर हुसैन, अमन कुमार महतो, राम दरेश सिंह, नरेश राम, अमन कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है,
केंद्र सरकार द्वारा राशन कार्ड धारकों को मिलने वाले मुफ्त अनाज को एक साल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इससे आप किस तरह से देखते हैं, आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।